इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है ये तो आप सबको पता है लेकिन इनकम मेथड यूज करते वक्त हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे सो हेलो एवरीवन दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला और पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकम मेथड के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने आपको बताई थी अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि उसके बाद में प्रकॉशन आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे तो आज के इस वीडियो में हम इनकम मेथड के प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो की हमें ध्यान में रखने होते हैं चाहे हम वैल्यू एडेड मेथड के हेल्प से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो चाहे हम इनकम मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो या फिर जो थर्ड मेथड है इज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड मेथड राइट से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो क्या है आइए देखते हैं तो सबसे पहला है ट्रांसफर अर्निंग्स जो भी ट्रांसफर इनकम होती है या फिर जो भी ट्रांसफर अर्निंग्स होती है उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं अब ट्रांसफर अर्निंग्स होती क्या क्या है ये देखते हैं जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हमने जो एड किया था वो था पेंशन ऑन रिटायरमेंट तो सबसे पहले है ओल्ड एज पेंशन अब आप ने जब पढ़ाया था, तो का जो था उसमें तो, था तो मैं आपको बता दूं कि दोनों पेंशन में डिफरेंस है वो था पेंशन ऑन रिटायरमेंट राइट और ये है ओल्ड एज पेंशन पेंशन ऑन रिटायरमेंट मतलब रिटायर होने के बाद में जो आपको पेंशन दी जाती है और ओल्ड एज पेंशन यानी कि जो ओल्ड एज यानी कि एक ओल्ड ग्रुप होता है उनको जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है तो ये दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं सो ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हमारी कंट्री में जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी कुछ छोटा मोटा अलाउंस अलॉट होता है तो वो इंक्लूड नहीं होगा स्कॉलरशिप्स इंक्लूड नहीं होंगी पॉकेट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे पॉकेट मनी हुई पॉकेट एक्सपेंसेस हुए वो इंक्लूड नहीं होंगे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नेशनल इनकम में ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होंगी और राइट right? क्योंकि बिकॉज कॉरस्पोंडिंग टू ट्रांसफर पेमेंट्स देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन इकोनमी अब ये एड नहीं होंगी ये तो हमें पता चल गया लेकिन क्यों नहीं होंगी क्योंकि इन इनकम में कहीं पे भी वैल्यू एडिशन की बात नहीं की गई है राइट right? हम अनएलॉयमेंट अलाउंस है

जो कि एड ऑन होती है और ओल्ड एज पेंशन जो है वो ऐड ऑन नहीं होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ अब आप कहें कि भाई अगर कोई चोरी चकारी कर रहा है तो क्या उसकी इनकम भी नेशनल इनकम में ऐड होगी तो नहीं होगी ठीक है कोई मान लीजिए कोई स्मगलिंग कर रहा है या फिर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो उनकी जो इनकम होगी वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी ओके सो इल्लीगल एक्टिविटीज जैसे कि कोई चोरी है थेफ्ट एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज रिगार्ड्स, इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी क्योंकि ये क्योंकि हमारी इकोनमी uh, में इन पैसों को क्या माना जाता है इन पैसों को ब्लैक मनी के तौर पे माना जाता है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम ये ये जो इनकम होती है ये किसी को नहीं पता होता है कि भाई आ कहाँ से रही है 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 ना ये 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 किस सोर्स uh, से आ रही ऐसा ये, ये कौन सा प्रोडक्शन हुआ या फिर ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई जिससे ये इनकम मिल रही है तो इसका कोई भी एस्टिमेशन नहीं होता इसलिए इस इनकम को ब्लैक मनी के तौर पे माना जाता है और ये इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है ऑलराइट आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ

ठीक है ये एक रिवॉर्ड के तौर पे माना जाता है अब आप सोचेंगे कि ऐसा सा कुछ हमने पिछले किसी वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं वो एड नहीं होते हैं वो हमने किस में पढ़ा था जब हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे थे तो उसके प्रिकॉशन में हमने पढ़ा था कि सेकेंड हैंड गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स को हम इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि जब वो नया था प्रोडक्ट जब वो प्रोड्यूस हुआ था तब उसकी तब जो उसकी वैल्यू थी तब वो एड ऑलरेडी हो चुकी थी और अब जब वो सेकेंड हैंड है तो उसकी वैल्यू एड नहीं होगी अगर हुई तो वो क्या कहलाएगी वो डबल काउंटिंग एरर कहलाएगी ओके okay? तो वो वैल्यू एडिट का पार्ट था आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर कंसिडर कीजिएगा अभी आते हैं वापस इस प्रिकॉशंस पे द फोर्थ पॉइंट इज ब्रोकेज ऑन द सेल और ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ब्रोकेज यानी कि दलाली तो जो भी uh, हम शेयर्स या बॉन्ड्स हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और राइट बिकॉज दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विस क्योंकि ये कहीं कही ना कहीं फैक्टर सर्विस का क्या माना जाता है रिवॉर्ड माना जाता है और जो भी फैक्टर सर्विसेज के रिवॉर्ड हैं उन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं इनकम इन टर्म्स ऑफ गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड अब मान लीजिए कि आपकी किस्मत खुल गई और आपकी लॉटरी लग गई तो क्या वो लॉटरी का अमाउंट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा नहीं होगा ओके सो so, लॉटरीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड एज देर इज नो वैल्यू एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेम्स ओके लाइक वाइज इनकम इन दम ऑफ कैपिटल गेम्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम कैपिटल गेम्स से जो हमें इनकम मिलती है उसको भी हम फैक्टर इनकम कंसिडर नहीं करते हैं राइट right? और विंडफॉल गेम्स जो होते हैं जैसे कि लॉटरी हो गई इसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस अगर मान लीजिए मैं मेरा घर किसी को किराए पे दे देती हूँ है ना मैं मेरा घर किसी को मैंने किराए पे दिया तो उसका जो अमाउंट है क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा बिल्कुल होगा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम वो भी एक तरीके से फैक्टर इनकम है तो जो रेंट अमाउंट है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा आगे देखते हैं पॉइंट कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट प्रॉफिट कॉरपोरेट टैक्स हुआ डिविडेंट हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ ये सब हम पढ़ चुके हैं अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ये सब किसका पार्ट है ये सब पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट का प्रॉफिट के तीन पार्ट बताए थे सबसे पहले था डिविडेंट दूसरा था कॉरपोरेट और तीसरा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन दस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एनी ऑफ दीज कम्पोनेट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड अब इस पॉइंट में यह क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमने इन टोटल कॉरपोरेट प्रॉफिट इन टोटल हमने एड ऑन कर दिया नेशनल इनकम में ठीक है इन टोटल हमने प्रॉफिट या फिर इसको कॉरपोरेट प्रॉफिट भी कहा गया है ये हमने एक ये हमने पूरी एक टर्म मानी है ठीक है इसको हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया तो सेपरेटली हम डिविडेंड हुआ डिविडेंड हुआ, हुआ कॉरपोरेट टैक्स हुआ या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ हम सेपरेटली इसको एड ऑन नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि ये तीनों किसका पार्ट है ये तीनों इसी का पार्ट है अब चाहे आप इसे एज अ होल काउंट करो या फिर एज अ थ्री डिफरेंट प्रॉफिट काउंट करो ओके okay? सो so, ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा फिर आता है अगला पॉइंट इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम सो इनकम टैक्स जो होता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही एक पार्ट है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जब हम इन टोटल पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स को हम अलग से नहीं कंसिडर करते हैं ओके ऑन द अदर हैंड वेजेज एंड सैलरीज इन कैश या फिर काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ़ इम्प्लॉयज आर ऑल कॉम्पोनेट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज ये सब किसके कॉम्पोन हैं? एनी ऑफ दिज कॉम्पोन शड नॉट बी एडेड सेपरेटली वंस कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज इंक्लूडेड इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अगर एक बार पूरा कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉइज नेशनल इनकम इंक्लूड हो गया है तो उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं तो हम सेपरेटली नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं right. so, ये दस जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई आपको समझ में आए होंगे आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड आई विश की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सब कुछ आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो यू आर फ्री टू आस्क ऑल राइट सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए एंड डू नॉट फेट टू प्रेस द बेल आइकन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू सो मच